परसेंट लोगों ने माना, लेकिन पहला सवाल महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या राय है? सवाल को लेकर हम पहुंचे जनता के बीच और पूरी उम्मीद थी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह से समर्थन मिलेगा, ये उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर 68% समर्थन में है, 20% विरोध में है और 12% कह नहीं सकते। अब अपर्णा चूंकि सामने है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 20% में मुझे शामिल होना है, 12 में शामिल होना है या 68 में शामिल होना है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसने पूरे चुनाव को, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या लोकसभा चुनाव की, जो सबसे ज्यादा असर डालेगा आधी आबादी को पूरे हक की, दरअसल ये बात है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर ये हमने आपको बताया, समर्थन में 68%, विरोध में 20%। इस 20% में वो अतृप्त आत्माएं भी हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर ये आ गया तो मैं अपने आप को जला लूंगा, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं इसका लाभ तो नहीं मिलेगा, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। अरे कोई कोशिश कर रहा है, पहले कोशिश को तो देख लीजिए। युवराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तोमर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तोमर साहब, महिला आरक्षण को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, हालांकि कोशिश और शुरुआत आपने की, अब उसके इंप्लीमेंटेशन का दौर है और 60% से ज्यादा लोगों का ये मानना है आरक्षण को लेकर कि हाँ ये एक बड़ा मुद्दा है और वो उसका समर्थन भी करते हैं। तोमर साहब आपका क्विक रिएक्शन। मेरा तो ये रिएक्शन है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, चाहे वो महिला आरक्षण की बात आए, चाहे विकास की बात करो, तो सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तमाम योजनाएं जो आज गांव में संचालित हैं, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। गांव चाहे बिजली लाना हो, सड़क लाना हो, बांध बनाना हो, चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, बहुत सारे काम किए। ठीक, लेकिन ये प्रचार प्रसार करके जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष में केवल विरोध करने के लिए बैठा हूं, यहां मैं जो बात है ऑथेंटिक, मैं आपको प्रमाण सहित दे रहा हूं कि महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार, तो साहब ऐसा लग रहा है नहीं, वो सम्मान है और आपकी पूरी बात का सम्मान है। रोजगार के मुद्दे पे टू द पॉइंट पे हम अगर दर्शन शास्त्री हो जाए, तोमर साहब समर्थक टू द पॉइंट, एक सवाल था महिला आरक्षण का, आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया था इसलिए मैंने आपको, नहीं नहीं मैं तोमर साहब प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। देखिए छोटा छोटा बोलेंगे तो ज्यादा ज्यादा सवाल आएंगे, इस वजह से मैं आपको टोक रहा हूं। तो लगातार ये सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा, मेगा ओपिनियन पोल में अभी बहुत सारे सवालों की बारी है और बहुत समझदार और खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तो कुछ और सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी होंगे, तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है वो हम आपको दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।